तो आज की एक्सेल क्लासेस में हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में। जो फॉर्मेट है उसकी फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने यहां पे टेंथ लिखा तो ये टीएच इसके ऊपर जाना चाहिए। कैसे जाएगा? इस पर डबल क्लिक किया, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, इस पर राइट क्लिक हो जाएगा, फॉर्मेट सेल पे जाइए और यहां पे सुपर स्क्रिप्ट कीजिए। बड़ा हो गया। ऐसे ही मान लीजिए मुझे 10 डिग्री करना है, वो 10 0 और स्मॉल में डिग्री रखेंगे, डबल क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट किए, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहां पे हम करेंगे सुपर स्क्रिप्ट। ऐसे 10 स्क्वायर करना है, 10। अब यहां पे ध्यान रखिएगा क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट जो है सिर्फ नंबर नंबर पे वर्क नहीं करता है। सुपर स्क्रिप्ट नंबर पे वर्क नहीं करते, यार दिख तो जाएगा लेकिन जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ना हट जाएगा। इसलिए क्या करना है, अब किसी भी नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? तो किसी भी नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखने के लिए हमें क्या करना है, सिंगल कोट लगाना है। सिंगल कोट 102 एंटर प्रेस किया, अब इस पे डबल क्लिक किए, इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इस फॉर्मेट सेल के अंदर मैं यहां पे सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करके ओके करूं, तो आ गया 10 स्क्वायर। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कब होगा, जैसे मान लीजिए हमने कुछ नंबर्स यहां पे लिख रखे हैं, कुछ जैसे कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए ए ए ठीक इसमें मुझे डिग्री लगानी है। कैसे लगाएं डिग्री? ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए हमने ए ओ लिख दिया तो जो सुपर स्क्रिप्ट वर्क करता है वो इसके नीचे इस पे वर्क करता है। ठीक है, तो पूरे सेल को करना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम इसके बगल वाले सेल में ओ लिखेंगे स्मॉल में और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। देन राइट क्लिक, हम आते हैं फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में यहां हम सेलेक्ट करते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या सेलेक्ट करते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। देन फिर इसको छोटा कर देते हैं, इसको यहां से इसको यहां ले लेते हैं और इसको ऊपर ले चूज कर लेते हैं, और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, बॉर्डर, बॉर्डर दिया, इसको सेलेक्ट किया, ये बॉर्डर, ये बीच वाला बॉर्डर नहीं देंगे, ठीक है, और इसकी बैकग्राउंड कलर को व्हाइट कर दो। सॉरी सॉरी, एक छोटा सा दिक्कत होगा, एक छोटा सा दिक्कत होगा, हम गलत कर दिए, हमें बीच वाला बॉर्डर देना है, ए वाला बॉर्डर नहीं देना, ए वाला है इसको नहीं, और इसकी कलर व्हाइट कर दो। अब ऐसा लग रहा है कि अलग अलग सेल में ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चन आता है कि ऑफिस में क्या यही करना होगा, क्या बेनिफिट क्या है इसको करने का? देखिए काम इजी की बात नहीं, हम बात करें विजुलाइजेशन का, मतलब कि जो हमें प्रेजेंट करना है ना वो प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे तरीका जो। अब इसे एग्जाम्पल के लिए मुझे एक पैराग्राफ कहीं से हम कॉपी करके लाए हैं और मुझे पेस्ट करना, इंटरनेट से या कहीं से हम एक पैराग्राफ लेके आ,
पैराग्राफ मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है, जैसे मैं कॉपी कर लिया, एक पैराग्राफ कॉपी करना है यहाँ पे, तो इस तरह से हो गया, दिक्कत हो गई। हमने क्या किया, एरिया को सिलेक्ट किया और इसको मर्ज कर दिया। अब डबल क्लिक करके उस पैराग्राफ को मैं पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब इस पैराग्राफ के लिए हम यहां से ए ले सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, मिडल कर सकते हैं, ठीक है, और रैप टेक्स्ट भी आप चाहो तो कर सकते हो। रैप टेक्स्ट नहीं करोगे तो लंबा दिखेगा, रैप टेक्स्ट करोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके ओके यस अब इसमें यह है कि मान लीजिए ये जो बैंक अकाउंट दिखा हुआ, कस्टमर बैंक अकाउंट डिटेल जो लिखा हुआ, राइट, मुझे इसको बताना है कि गलत है, तो क्या किया हम इसकी कलर रेड कर दी और इसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे गए और मैं यहां पे जाके क्या कर दिया, स्ट्राइक थ्रू, क्या कर दिया, स्ट्राइक थ्रू। ये क्या करेगा, बीचे बीचे काट देगा। अब किसी को बताने की जरूरत है कि कस्टमर बैंक अकाउंट एक गलत है, जरूरत तो नहीं है बताने की, सबको पता लग जाएगा देखते ही। तो मैं उसी विजुलाइजेशन की बात आपके साथ कर रहा हूं कि जो विजुलाइजेशन है वो विजुलाइजेशन यही होता है, ठीक है, समझे। लेकिन अगर मान लीजिए नंबर हो तब क्या करें, जैसे यहां पे हमने कुछ नंबर्स दे दिए हैं, अब ये नंबर्स गलत है, ये कैसे बताऊं मैं, तो इसके लिए भी यही हम एक काम कर सकते हैं, हमारे पास जो बॉर्डर भी लगाया था बॉर्डर का यूज कर सकता हूं। बॉर्डर में हम जाते हैं और यहां से रेड कलर ले लेते हैं और ए वाला बॉर्डर लिए, इसको ले लिया और इसको ले लिया, देन ओके। अब जहां भी क्लिक करूंगा F4 प्रेस कीजिएगा तो F4 क्या शॉर्टकट होता है, किसका, लास्ट एक्शन रिपीट करने का। F4 किसका शॉर्टकट होता है, लास्ट एक्शन रिपीट करने का, तो लास्ट एक्शन रिपीट करने का शॉर्टकट होता है F4। ठीक है, अब मान लीजिए सही का निशान लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, तो हर बार गलत ही तो सही भी तो हो सकता है, तो बॉर्डर में अब सही का निशान के लिए ग्रीन कलर सही रहेगा, क्या, और ग्रीन कलर में हम ए लेते हैं और इसको लेते हैं, दैन ठीक है। F4 प्रेस कीजिए, ठीक है, लेकिन ए जो है वो सिर्फ विजिबिलिटी के लिए है, किसके लिए है, सिर्फ विजिबिलिटी के लिए है। आप चाहो इसके ब्याह पे मैं फॉर्मेटिंग लगा दूं या कंडीशन लगा दूं, ये चीजें नहीं हो सकती, ये चीजें नहीं हो सकता, नहीं। तो कैसे करें इसके लिए, इसके जैसे यहां पे हमने पी दिया, ओ दिया, पी और ओ के ऊपर अगर मैं फॉन्ट पे जाऊं, एक फॉन्ट होता है ब्रिटैनिक बोल्ड का, नहीं ब्रिटैनिक बोल्ड नहीं, माफ कीजिएगा, ये होता है आपका बाइंडिंग टू, क्या होता है, बाइंडिंग टू, सेलेक्ट किया, ये देखिए अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं,
है, क्लियर है? तो ओ लिखेंगे, अभी ये दिख रहा है आपको टिक का निशान, पर एक्चुअल में क्या है? पी है। और मैंने बताया था आपको कि एक्सेल के अंदर में जो एक्चुअल है उसी के ऊपर फॉर्मूला वर्क करता है, विजुअल के ऊपर नहीं। ठीक है, समझे? तो ये सब विजुलाइजेशन का पार्ट है, इसलिए बता रहा हूं। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहां पे एक फॉर्म बना रहा हूं, मान लीजिए, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग देखते हैं बहुत से जगहों में, बहुत सारे एरिया में देखते हो, जैसे यहां देखिए, जैसे गूगल में देखिए, गूगल में टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सर्च गूगल टाइप। जब क्लिक करूंगा तो हट जाएगा, फिर आ जाएगा, हट जाएगा, आ जाएगा, हट जाएगा। अब ये चीजें मान लीजिए एक्सेल में करना होगा, कैसे करेंगे? मान लीजिए एरिया है, राइट, इसको येलो कलर कर, इसकी बैकग्राउंड कलर को मैं ग्रे कर देता हूं। तो अब इसके लिए अगर मैं मैनुअली लिख दूं कि एंटर नेम, एंटर नेम, तो यहां पे क्लिक करेंगे, यहां मान लीजिए इस तरह से लिख दिया, अब यहां पे नाम लिख दिया पूजा, लिखा, फिर पूजा डिलीट किया तो एंटर नेम हट गया ना। तो यहां पे एक होता है आपका इंडेंट। मैं क्या करूंगा, जो एंटर नेम है वो लिखूंगा इससे पहले वाले सेल पे, ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा मिडल, और यहां से इसको देखिए, ठीक है, आपको प्रोजेक्ट करो। अब इसको छोटा कर दे दो ताकि पता नहीं चले कि बी बी है, ज्यादा हो गया, बस पीछे के इस पे, ठीक है। अब जैसे यहां पे मैं लिखूंगा पूजा, हट गया ना सर, पूजा डिलीट कीजिए, वापस आ जाएगा। तो इसी को कहा जाता है विजुलाइजेशन, समझे? अब कई बार क्या होता है कि मर्ज करते हैं, तो मर्ज मैंने बताया कि इसको क्लिक किया और मर्ज कर दिया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज और, ये मर्ज अक्रॉस भी होता है। मर्ज अक्रॉस क्या करता है? इस तरह से वन बाय वन इस तरह से आपको मर्ज करेगा, ठीक है आपको। वन बाय वन क्या करेगा? मर्ज करेगा। अब यहाँ पे एक चीज और भी आती है, जैसे कि हमने टिक का निशान लगाया, तो इसमें हम अगर मान लीजिए कि फॉन्ट नहीं है तो आप यहाँ जे लिखें और इसको आप 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दो, यहाँ -45 डिग्री, माफ कीजिए, ठीक है, क्रॉस के लिए एक्स्ट्रा है। एक और यूज है, जैसे मान लीजिए, अब चलिए कुछ लाइव काम पे करते हैं, मैंने एक अटेंडेंस बनाया है यहाँ पे, राइट, बॉस ने बोला है कि अटेंडेंस बनाओ, मैंने अटेंडेंस बना दिया, यहाँ पे डेट दे दिए, /1 हमने कर दिया, और इसको आगे की तरफ कि आप ही मई का ही बना देता हूं, और इसको हमने 31 मई तक ड्रैग कर दिया, तीस मई होगा, 31 मई थोड़ी होता, ठीक है। अब यहां मैं यहां पे ये कहता हूँ, अटेंडेंस दे देता हूँ, पी लगा देता हूँ, पी प्रेजेंट अब्सेंट लिख दिया, फिलहाल मैं तब पे पी लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको फिल करने के लिए हमने क्या किया, कंट्रोल आर राइट में फिल हो गया, कंट्रोल डी डाउन में फिल हो गया, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अब मैं पूरे को सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक क्यों करते हैं यहाँ पे? ऑटो फिट के लिए, किस लिए करते हैं? ऑटो फिट के लिए,
अब यहां से मैं डॉ लगा दिया बॉर्डर, अब क्या लग रहा है इसको एक पेज से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं हम। चलिए यहां पे कंट्रोल पी किए प्रिंट के लिए, अब यहां पे लैंड लेटर के लेटर है सही है, ए फोर भी कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां से नॉर्मल मार्जिन की जगह पे नैरो मार्जिन भी कम कर दिया, फिर भी देख सकते हैं 8 मई के बाद का डेट नहीं है। स्केलिंग को मैं अगर यहाँ पे फिट टू वन पेज कर दिया तो इतना छोटा हो जाएगा कि पढ़ा नहीं जा सकता है। हाँ एक काम कर दो, पोर्ट्रेट के जगह पे लैंडस्केप कर दिया, फिर भी इतना छोटा है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो मार्जिन में यहां से नो स्केलिंग कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि 13 मई के बाद का डेट नहीं हुआ। देखिए मुझे इसको एक पेज से प्रिंट करना है, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे डेटा के अंदर जो डेटा कम है बट मेरी हेडिंग जो है बहुत बड़ी है। तो मैंने अपना हेडिंग को लिया और इस हेडिंग के ऊपर यहां दिख रहा होगा रोटेट, इसको मैंने क्या कर दिया रोटेट कर दिया। फिर पूरी सीट को सिलेक्ट करके जस्ट डबल क्लिक करूंगा तो ऑटो फिट हो जाएगा। क्या हो गया ऑटो फिट। अब देखिए डेटा भी पढ़ पा रहा हूं मैं और हेडिंग भी है, और एक पेज पर प्रिंट करने के बाद भी जगह भी बच रहा है, इसमें कुछ और चीजें भी ऐड हो सकती है। ठीक है सर, क्लियर है। तो उसी तरह से यहां राइट क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट सेल आता है। फॉर्मेट सेल में सारी फॉर्मेटिंग है, सबसे पहला है नंबर, फिर अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन। फिल में आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, यहां से फिल इफेक्ट में जाके आप अपना इफेक्ट ले सकते हैं, किस तरह का इफेक्ट होना चाहिए, दो कलर का इफेक्ट, ठीक है ना। मोर कलर में जाके यहां से कुछ और एक्स्ट्रा कलर, जो कलर यहाँ पे नहीं हो ले सकते यहाँ से। यहां से आप पैटर्न ले सकते हैं, इस तरह का डॉट लाइन फिल हो जाएगा, देखिए ठीक है। उसी तरह से आप अगर राइट क्लिक करते हैं, इसमें आते हैं फॉर्मेट सेल में, तो बॉर्डर, बॉर्डर मैंने बताया यहां से बॉर्डर की कलर चूज करना है, बॉर्डर का टाइप चूज करना है, जहां चाहिए वहां पे क्लिक कीजिए, मैंने करके दिखाया। समझे फॉन्ट, यहां से फॉन्ट लीजिए, यहां से फॉन्ट की साइज, यहाँ फॉन्ट रेगुलर, यहाँ रेगुलर करना है, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, बोल्ड इटैलिक करना है, यहां से फॉन्ट की साइज, यहां से स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, और ये रहा आपका अंडरलाइन, सिंगल डबल आप कर सकते हैं। अलाइनमेंट में आपका वही हॉरिजॉन्टल जो अलाइनमेंट है इसी का दिया हुआ है सारा, रैप टेक्स करना। हाँ यहाँ एक श्रिंक टू फिट आता है, वो देख लीजिए क्या होता है, वो जरूरी है। जैसे यहाँ पे सुजीत कुमार मैंने किया, तो सुजीत कुमार क्या हुआ दिख रहा है, लेकिन अगले सेल में चला गया, अब अगले सेल में टाइप करेंगे तो छप जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कॉलम बड़ा कर देते हैं, बट मैं कॉलम बड़ा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि जितना बड़ा कॉलम की साइज है ना, टेक्स्ट की साइज उतना बड़ा ही हो जाए। तो उस केस में अलाइनमेंट में क्या करना है, श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, देखिए बड़ा हो जाएगा, कॉलम साइज बड़ा होगा तो भी बड़ा होगा, छोटा होगा तो भी छोटा हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग की। अब यहाँ पे जैसे हम कुछ टाइप करते हैं तो इस नंबर को कैसा देखा जाए, ये नंबर फॉर्मेटिंग में होता है, जनरल जैसा टाइप हुआ वैसा दिखेगा नंबर। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस निगेटिव आने पे क्या आना चाहिए, डेसिमल प्लेसेस कितना होना चाहिए, 1000 सेपरेटर होना यानी चाहिए कि होना चाहिए, वो डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ देखिए दिख रहा है। फिर आता है करेंसी, आप यहाँ से करेंसी का सिंबल लगा सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए 1500 दिख गया करेंसी का सिंबल रुपीज के साइन। अकाउंटिंग, यहाँ पे सिर्फ करेंसी का सिंबल आएगा, ये नंबर की होगी। अब मान लीजिए डेट लिखते हैं अपना, है आज का डेट दे दिए, अब डेट के ऊपर फॉर्मेटिंग कैसा चाहिए, ये आपका डेट दिखाता है, और ये अलग अलग कंट्री के है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है,
उसके साथ अगर टाइम आप देते हैं तो टाइम की फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं। टाइम दिया, अब इस टाइम की फॉर्मेटिंग मुझे करना है, टाइम पे गए, यहाँ हम टाइम की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो टाइम हुए, और टाइम भी अलग अलग कंट्री का, ठीक है। देन परसेंटेज, तो ठीक है, फिर मान लीजिए कि मुझे इसमें टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, चेक नंबर, तो इसके लिए सिंगल कोट लगाइए, टेक्स्ट यहां पे सिंगल को लगाइए और टेक्स्ट लिखिए। अब टेक्स्ट का क्या यूज होता है ये हम आपको कल बताएं, कल हम बात करेंगे एडवांस नंबर फॉर्मेटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टम फॉर्मेट, वो थोड़ा सा एडवांस है, उसको आज मत कीजिए, उसको कल, ओके, ठीक है, ठीक है, आज की प्रैक्टिस कीजिए, इसकी रिकॉर्डिंग भेज